समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के दूसरे भाग पर चर्चा कर रहा हूं। उसकी उपलब्धियों का दूसरा पहलू था विदेशी राज्यों के प्रति उसकी नीति। समुद्रगुप्त की शक्ति से प्रभावित होकर विदेशी शक्तियों ने भी उससे अधीनस्थ भाव में मैत्री संधि कर ली, अर्थात विदेशी शक्तियां उसकी अधीनस्थ मित्र बन गई। ये विदेशी शक्तियां कौन कौन सी थी उनका मैं आपको क्रमवार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। नंबर एक, देवपुत्र शाही शाहानुशाही। यह समुद्रगुप्त के समकालीन किदार कुषाणों, जिनको उत्तरवर्ती कुषाण भी कहा जाता है, उनकी शाखा थी, जो पश्चिमोत्तर भारत में पुरुषपुर या पेशावर में राज्य कर रही थी। नंबर दो, शक। समुद्रगुप्त के समय में अवंती व सौराष्ट्र का शक क्षत्रप रुद्रसेन तृतीय था, जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। नंबर तीन, मुरुंड। चीनी स्रोतों के अनुसार मुरुंडों का राज्य विशाल नदी, जो गंगा का नाम है, उसके मुहाने से 700 ली अर्थात 1200 मील दूर था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जैन साहित्य मुरुंड राज को कान्यकुब्ज का राजा बताते हैं और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र बताई गई है, लेकिन हेमचंद्रकृत अभिधान चिंतामणि में मुरुंडों का राज्य लगमान में स्थित बताया गया है, जो अफगानिस्तान में था। यह शकों से अलग जाति थी। नंबर चार, सिंगल। सिंघल का तात्पर्य लंका द्वीप से है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण था। चीनी साक्ष्यों के अनुसार उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था तथा समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में, आपको ध्यान रहे बोध गया का जो वृक्ष जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह बिहार में स्थित था और उस स्थान का नाम बोध गया पड़ा था। तो यहां जो बोधि वृक्ष था उसके उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। नंबर पांच, सर्वद्वीपवासी। इससे तात्पर्य दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से है। यहाँ के हिंदू उपनिवेशों के शासक इस समय अपनी मातृभूमि से संबंध बनाए हुए थे। जावा से प्राप्त ग्रंथ तंत्री कामंदक में यहाँ का राजा ऐश्वर्यपाल अपने को समुद्रगुप्त का वंशज कहता है। मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से भी शक व कुषाणु पर समुद्रगुप्त का आधिपत्य प्रमाणित होता है। संक्षेप में कहा जाए तो पड़ोस के विदेशी राज्यों ने बिना युद्ध के समुद्रगुप्त
से अधीनस्थ मित्रता की नीति अपनाई। ये राज्य थे देवपुत्र शाही शाहानुशाही शक मुरुंड सिंगल द्वीप के वासी और सर्वद्वीप वासी अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। इन राज्यों के शासक सम्राट के सामने स्वयं उपस्थित होते थे, अपने राजकुमारियों को विवाह हेतु प्रस्तुत करते थे, सम्राट को उपहार देते थे तथा गरुड़ चिन्ह से युक्त आज्ञा पत्रों को स्वीकार करते थे। अर्थात समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के प्रति चार प्रकार की नीति अपनाई। नंबर एक, आत्मनिवेदन। इसका अर्थ यह है कि गुप्त सम्राट के सामने स्वयं उपस्थित होते थे। नंबर दो, कन्योपायन। इसका अर्थ है अपनी राजकुमारियों को गुप्त वंश में विवाह हेतु प्रस्तुत करते थे। नंबर तीन, दान। इसका अर्थ है उपहार भेजना। एवं नंबर चार, गरुत मदंक। इसका अर्थ है गुप्तों के गरुड़ चिन्ह से अंकित आज्ञा पत्रों का स्वीकरण। समुद्रगुप्त की उक्त विजयों के परिणाम स्वरूप एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा बंगाल से पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। आर्यवर्त और मध्य देश उसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। दक्षिणापथ तथा पूर्व और पश्चिम के सीमांत प्रदेश उसकी अधीनता स्वीकार करते थे तथा शक और कुषाण एवं अन्य द्वीपों के निवासी उसके अधीनस्थ मित्र थे। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। संक्षेप में, साम्राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में रावी व चिनाब से पूर्व में बंगाल तक विस्तृत। आर्थिक दृष्टि से पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी बंदरगाहों पर उसका अधिकार हो गया। ताम्रलिप्ति उसके काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। उक्त विजय के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका ज्ञान उसकी मुद्राओं स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख तथा प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से होता है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था के बारे में भी संक्षिप्त प्रकाश पड़ता है। उसमें बताया गया है कि हरिसेन उसका संधि विग्रहिक यानी युद्ध मंत्री एवं विदेश विभाग का अध्यक्ष था। इसके अलावा राजकीय भोजनशाला का एक अध्यक्ष होता था, जिसको खाद्य पाटकी कहा जाता है। उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे विषयपति, राज्यपाल, सेनापति, मंत्री आदि। इनको कुमारा मात्य कहा जाता है। पुलिस व सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी तथा फौजदारी का न्यायाधीश महादंड नायक के नाम से जाना जाता है। ये इसके शासन के प्रमुख अधिकारी थे, अर्थात संधि विग्रही
खाद्य पाटकिक कुमारामात्य और महादंड नायक। प्रशासन का विभाजन प्रांतों तथा जिलों में किया गया था। प्रांतों को भुक्ति और जिलों को विषय कहा गया है। केंद्रीय भाग अर्थात राजधानी सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। राजधानी व उसके आसपास का जो प्रदेश है वो केंद्रीय भाग के नाम से जाना गया। अब मैं समुद्रगुप्त का मूल्यांकन आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों से यह स्पष्ट होता है कि वह महान विजेता और पराक्रमी सेनानायक था। उसकी मुद्राओं पर मुद्रित उसके लिए पराक्रमांक व्याघ्र पराक्रम है तथा अप्रतिरथ जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह विशेषण उसके अद्भुत पराक्रम और शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। उसने अपनी भुजाओं के बल से अखंड राज्य की स्थापना कर देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। वह धर्म विजयी शासक था। वह एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। उसने देश व काल के अनुकूल भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। आर्यवर्त में प्रसवोद्धरण व उन्मूलन की, दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह की, सीमावर्ती राज्यों को अधीनस्थ मित्र बनाने की तथा विदेशी राज्यों से घनिष्ठ मैत्री संबंधों की नीति अपनाकर साम्राज्य का विस्तार, स्थायित्व व संरक्षण किया। महान योद्धा होते हुए भी वह दयालु था। वह दुष्टों का विनाशक व साधुओं का रक्षक था। साथ ही वह संगीत प्रेमी भी था। प्रयाग प्रशस्ति वह वीणा शैली की मुद्राएं इसका प्रमाण है। प्रयाग प्रशस्ति में उसको कविराज कहा गया है तथा उसे विद्वानों और कवियों का आश्रय दाता कहा गया है। कलाकारों को भी उसने संरक्षण दिया। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी और परंपरागत धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला तथा शास्त्र विहित मार्ग पर चलने वाला शासक था। निष्कर्षतः वह आगे आने वाले समय की भौतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का ज्वलंत प्रतीक था। धन्यवाद साथ।